नमस्कार दोस्तों, इस रविवार के संडे टाइम में आपका स्वागत है। बीच बीच में जो स्पेशल इफेक्ट आएंगे वो मेरे डॉग होप और पीस के खिलौनों की पौ होगी, तो माइंड मत कीजिए। तो मैं सोच रही थी मैं आज आपको बात बताऊंगी, मैं मेरा और शाहरुख खान का क्या ताल्लुक रहा और कैसे मिले। मैं तो डॉक्टर राइट 90s में, और मेरा कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था फिल्म इंडस्ट्री से। मेरी माँ तो बोलती थी वहाँ जाना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो जब मैं मुंबई आई पढ़ने के लिए तो मायापुरी बहुत पॉपुलर मैगजीन थी फिल्म की, उसके जो एडिटर थे ZA जौहर, उनके साले साहब थे परवेज सैयद, मतलब के नहीं हैं अभी भी, तो वो किसी वजह से मेरे भाई बन गए थे। तो उन्होंने मुझे दो लोगों से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था। उसमें थे एक जयंत मालकन, जिन्होंने नमकीन जैसी फिल्म बनाई है जिसमें वहीदा रहमान और बहुत अच्छी स्टार कास्ट थी, ठीक है। उनके बेटे समीर मालकन, जिन्होंने मैं खिलाड़ी तू नाड़ वो बनाए, और उनकी डॉटर इन लॉ है ममता मालकन, जो नुक्कड़ में एक्ट्रेस थी, क्यूट वाले फेस की थी, नहीं मतलब वो अभी भी है कैनेडा में। और उनके दामाद हैं थॉमस जेवियर्स, स्वाति जो थॉमस की वाइफ है, जो मेरे दोस्त थी, और जैसा मेरी बेटी थी, वो कोविड से वो दौरान गुजर गई बहुत यंग एज में, तो मेरे एज की थी। तो खैर आज स्वाति के बारे में नहीं बात करेंगे। तो पहले तो ये था कि 90s में या अर्ली 90s में मुझे लगता है फौजी सीरियल बहुत मशहूर हो चुका था, और उसमें जो मेजर विक्रम सिंह यानी वो लंबा वाला क्यूट वाला लड़का था ना, वो हमारी बिल्डिंग में, हम A4 हमारे घर फ्लैट का था बाबा खड़क सिंह मार्ग में, क्योंकि मेरी मदर राज्यसभा में थी और ऊपर ही वो लड़का रहता था, तो मुझे वो ज़्यादा हैंडसम लगता था बाय द वे। और जो गोल्ड मार्केट का जो एरिया था वहाँ पे कुछ केरोसिन के डीलर या कुछ ऐसे ही शाहरुख की मम्मी को मिला था, क्योंकि उनके पापा शहीद हुए थे या फौज में थे, ऐसे तो मुझे दिक्कत है एक छोटा सा लड़का लिफ्ट में अचानक मिलता था, मैं भी छोटी सी थी तो समझ नहीं आता था कि ये नेशनल हीरो बन चुका है ये शाहरुख खान है। तो वहाँ की बात आई गई हो गई। बैक टू मुंबई, तो क्या होता है ना, आपको भले ही कोई किसी से भी इंट्रोड्यूस करा दे, आपका जहाँ दिल लगता है ना, जहाँ इमोशन लगती है, वहीं दोस्ती होती है। तो स्वाति से तो खैर वो मेरी फैमिली है, मालकन सारी मेरी फैमिली ही है, पर थॉमस जेवियर जो उनके दामाद थे उनसे मेरी खास अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। और वो शायद ऐसा होता ना कि वो बेटी वाले हो दामाद वाले टाइप ऐसे, तो बहुत बढ़िया बहुत बड़े कैमरामैन थे और उन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्में अपनी लाइफ की है। और उस समय उनकी फिल्म चल रही थी बाजीगर जी, तो अब्बास मस्तान भाई दोनों जो है मुझे वो बहन मानते थे, उनको लगता था कि मैं बहुत सिस्टर टाइप का मेरा लुक है या रामेश्वरी जैसी दिखती हूँ। हाँ बाय द वे रामेश्वरी जी का भी January 6th थी बर्थडे आई थिंक सो, क्योंकि उनका भी सीरियल मेरे स्टूडियो में एडिट करता था, तो मैं उनसे भी काफ़ी मिल चुकी हूँ। तो अब्बास मस्तान भाई ने तो मुझे भी कहा था भाई सलमान खान के साथ फिल्म में बहन भाई का सब्जेक्ट कर लो। अरे मैं बोली अब्बास भाई रहने दो ना, मैं डॉक्टर हूँ, सेट पे आती हूँ तो आप मुझसे मिलने आती हो, मैं एक्टर बन जाऊँगी लफड़ा हो जाएगा, मुझे आपसे मिलने आना पड़ेगा। और वो मुझे कतई मंजूर नहीं, आर्गेंट लगा हुआ कुछ लोगों को, पर एक दो पाटिल थे वहाँ पे रिकॉर्ड से, उन्होंने बोला भाई मराठा की लड़की है मराठा टाइप जवाब दिया ऐसे, मैंने सोचे समझे नहीं दिया था। तो वो फिल्म बहुत रिस्की थी क्योंकि हीरो जो है विलन का काम कर रहा था, राइट। तो हमेशा अब्बास भाई बोलते थे यार तुम्हारे डॉक्टर दोस्त को बुलाओ डॉक्टर। तब मैं वो वर्ली सीफेस के थोड़ा स्लम एरिया में प्रैक्टिस भी करती थी, 24 साल की छोटी सी भी थी, ठीक है। और मतलब 50-51 मेरा वेट हो और शॉर्ट शॉर्ट पहन के घूमती थी, मतलब अजीब टाइप की डॉक्टर नहीं, डॉक्टर टाइप में एकदम आराम से जाते हैं, डॉक्टर टाइप लगती थी अपने क्लिनिक में। शायद मेरा बेटा 2 साल का ही होगा उस समय। तो मुलाकातें बढ़ती रही और अब्बास भाई को था कि वो लोग भी रिस्की फिल्म बनाते, उनको लगता था लड़की सच बहुत बोलती है, तो वो थॉमस से बोलती थी अरे तुम्हारे डॉक्टर नहीं आई आज, डॉक्टर नहीं आई। तो ऐसे करके मैं उस फिल्म के हर बहुत ही क्रूशल सीन में प्रेजेंट होती थी, और वो संडे जब मुझे छुट्टी मिलती थी मैं चली जाती थी। तो मैंने 60% ऑफ द शूट देखा है बाजीगर का, मतलब आंखों से
शिल्पा को रंग भुवन जो है ना, रंग शारदा बांद्रा में वहां से फेंका था ऊपर, वो भी मुझे याद है। और शमिता तो खैर बहुत सात आठ साल की होगी, ऐसे बैग पैक लगा के घूमती थी और मेरा बेटा उसके पीछे भागता था कि मम्मी इसका बैग चाहिए। तो एक अजीब सा रिश्ता है मेरा और शाहरुख के बीच में, वो भी ज्यादा बोलते नहीं है और मुझे गुस्सा बहुत आता है, अरे भाव नहीं देता जान दो ऐसे। तो इस तरह से वो 90s से हुई दोस्ती बहुत अजीबो गरीब तरीके से बरकरार रही। एक बार सिगरेट पीने पर मैंने बहुत भाषण दे डाला उनको, जाके जी टीवी पे देखो, अ सिगरेट इन माय हैंड आई फेल्ट लाइक अ मैन, एंड आई एम सो फुलिश ना। वो चेंबूर में बर्मा शहर में शूटिंग हो रही थी, किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने मगर कोई चेहरा भी तुमने पढ़ा है, हाँ ये हो रहा था। लंच टाइम में मैंने बड़ा भाषण दिया, बस भाई ये थे सईद मिर्जा भी थे और शायद उनके भाई ने उस समय सिगरेट छोड़ी, बोले भाई मेरा भाई ने सिगरेट छोड़ी पर वो हमको मारते, मतलब उसका टेम्पर इतना हाई, क्योंकि होता है आपको निकोटीन का विड्रॉल हो सकता है। पर मैं इतनी छोटी सी और बहुत ही बड़े बड़े काम करती थी लाइफ में, डोंट माइंड माई डॉग पीस एंड कैट लूना, ये चलता रहेगा, आप टेंशन मत लीजिए। मुझे लगता है शाहरुख के एपिसोड में मुझे दो पार्ट में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनका और मेरा रिश्ता शायद 91 से शुरू हुआ है जाने अनजाने में। फिर उनका वो बांद्रा में उनका वो फ्लैट में रहना, उस समय मोबाइल फोन्स नहीं थे, लैंडलाइन था मेरे पास, शाहरुख था, अनवर भाई उनका काम देखते थे, मोबाइल जाने लगे, अनवर भाई थे, मैं रहती थी चाहत के मोहरत शॉर्ट वे में, मैं थी। एक फोटो शेयर करूंगी जहाँ पे उन्होंने मेरे बेटे शिवम को उठा रखा है, आरे कॉलोनी में वही बाजीगर की शूटिंग चल रही थी, चाहत में वो चाकू में पता नहीं जो भी सॉस ऐसा कुछ ओपनिंग सीन था, मेरा बेटा डर गया छोटा सा था तो उसने उठाया शिवम को, बोला अरे ये टमाटो सॉस है ये वो, मतलब इज अ वेरी क्यूट गाय, शाहरुख खान इज एक्चुअली अ वेरी क्यूट गाय, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्वाइट। और जब मैंने वो सिगरेट वाला भाषण दिया था ना तो मैं डर गई, मेरे हीरो को इतना भाषण, मेरे कहा शाहरुख हम तो सॉरी इफ आई ऑफेंडेड, ही सेड नो आई एम नेवर ऑफेंडेड व्हेन वुमेन स्पीक, ओ माय गॉड Chivalry and this way, and he meant it. मैं जानती हूँ गौरी को उसने कितना पैम्पर किया, मैंने सब कुछ देखा है, टेन द हेल्थ स्पा था खार बांद्रा में, मैं भी वहीं जाती थी क्योंकि उसके एडवर्टाइजिंग के भी एजेंसी जो थी वो उन्हीं दूसरे दोस्तों में थी जो परवेज़ भाई ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, उन्होंने मुझे गार्डियंस दे रखे थे मुंबई में, क्योंकि अभी भी मैं कितनी गधी हूँ आप लोगों को पता है ना, भोली सी स्टूपिड वैसी और उस समय कैसी होगी 90s में इमेजिन। तो हुई फिर सेंसर बोर्ड में भी थी, कोइंसिडेंटली शाहरुख की बहुत सारी फिल्में मेरे पास आई जो कंट्रोवर्शियल थी, जिनको सेंसर भी रिफ्यूज किया गया था फॉर सिली रीजंस कि साला बोला गाली है, मतलब इस टाइप का। और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत दिग्गजों ने उनका उस समय कमेटी में साथ नहीं दिया, वो 12 लोगों की कमेटी थी शायद, हाँ उसे एडवांस पता नहीं कुछ बोलते हैं, अब तो मैं सेंसर बोर्ड में नहीं खुल के बोल सकती हूँ। तो मैंने दो चार नॉन फिल्मी लोगों को जमा करके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करके वो पिक्चर पास कर दी, शायद राजीव मेहरा थे उसके ड्रेस में, जूही चावला थी, शाहरुख खान थे, शाहरुख खान कुछ गैंगस्टर टाइप का आई डोंट रिमेम्बर द नेम। उसके बाद माई नेम इज ना खान भी मैंने की, डॉन भी मैंने की, सेंसर सर्टिफिकेट बिगिनिंग में आता है, देखेंगे नीचे मेरा नालिनी पाटिल आपको दिख जाएगा, तो ये अलग पार्ट है मेरा पर्सनल, उनसे बहुत खास रिश्ता। वो लैंडलाइन भी नहीं उठाता, मुझे गुस्सा आता था उसको, जब स्क्रीन अवार्ड भी मिला था मैंने लैंडलाइन पर फ़ोन किया था, क्योंकि वो रात भर सोता नहीं है कभी, गेम्स खेलता रहता था, तो रात में मैंने देखा वो दूरदर्शन, उस समय तो ऐसे होता था टीवी, तो मैंने कहा यार तुम्हें अवार्ड मिल गया कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने लैंडलाइन पर फ़ोन किया, मैंने यस थैंक यू डॉक ये वो। उसके बाद मैं कुछ फिल्मी प्रोग्राम बनाती रही जी सिनेमा के लिए, ऐसे फिल्मों के बीच में इंटरव्यू आते हैं ना स्टार लोगों के, वैसे तो मैं हीरोइन लोग का करती थी, सितारों की पसंद जो भी एनी फ्रेंच सितारों की पसंद, तो एनी फ्रेंच प्रोडक्ट तो सबने यूज़ किया होगा, हेयर रिमूवल एंड व्हाटएवर व्हाटएवर, तो उसे लगता था जूही का ले रही है इसका ले रही है तो मुझे पूछती ही नहीं, उसमें प्रॉब्लम हो जाती थी, मतलब बाजीगर यस बॉस जितनी वीनस के साथ थी उसमें थॉमस ही था कैमरामैन, और मैं जाती थी और मैं अपने काम से जाती थी, हाय और बाय ऐसे करके जाती थी, उसमें क्या एटीट्यूड था और वो एटीट्यूड शायद शाहरुख को बहुत पसंद, उसे ये भी पता था लड़की बहुत ही
बिंदास सच बोल रही थी। जब डॉन को भी मैंने सेंसर किया, मैं फरहान अख्तर से बात हुई, सब हुए, मैं वापस आ गई, मैं सो गई कि मेरी बेटी बहुत छोटी थी उन दिनों, और रात में 12 बजे मुझे राकेश को पाया, उठो शाह भाई सो नहीं रहे। मैं कहा शाह भाई को नींद नहीं आती, बस जब फिर मुझे क्यों उठा रहे हो, मैं सो रही थी। नहीं, उन्होंने बोला डॉन के बारे में पूछो कैसी लगी डॉक्टर को। मैंने कहा भाई मैं रिव्यू दूंगी, रात में 12 बज रहे थे उस समय, मैं 10:30 सो जाती थी, आम सोती थी, मैं भी सो जाती, मुझे पता है उसका नेचर। तो मैंने बताया कि भाई हाँ यहाँ तक ठीक है, यहाँ यहाँ मुझे गड़बड़ लगा। ये बंदे ने रात को रात मतलब दूसरे दिन बैठ के डायरेक्टर से वो सारा पोर्शन कटवा दिया। फायदा भी होता है सच्चे रहने का, ठीक है। लेकिन जब वो बांड्रा से मन्नत में पहुँचा, वो जो भी बंगला था वो आप भी जानते हो, शूटिंग होती थी वहाँ पे, तो अनवर भाई चले गए। मेरे पास नंबर थे शाहरुख के सारे, फिर वो ड्रीम्स लिमिटेड अनलिमिटेड तो कहीं वो कंपनी भी बन गई उनकी, तो मैंने सारे नंबर डिलीट कर दिए शाहरुख। उन दिनों मैं अमिताभ को डेट कर रही थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, अमिताभ यानी अमिताभ दयाल मेरे हस्बैंड। उनसे कहा बड़ी ईगोइस्ट है, मैं कहा ईगोइस्ट नहीं, मेरा फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं। जब लैंडलाइन थी तो अक्षय कुमार भी फ़ोन करते, ये भी फ़ोन करते, क्योंकि दोस्त थे मेरे, वो जानते इसका कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर है, इंटेलिजेंट है, एंटरटेन करते, दैट्स ओके। बट आई नो माई लिमिटेशंस। जो बंदा इस बंगले में चला गया ना, तो आज के बाद अगर मैं एक भी कॉल करूँगी वो सोचेगा इसको काम है मेरे से कुछ। तो खैर मैंने उनका नंबर रखा ही नहीं। सालों बाद नहीं, मेरी बेटी बहुत छोटी थी ना, तो एक सलमान खान, माधुरी दीक्षित और शाहरुख खान की एक मूवी आती थी, बार बार वो मूवी देखती थी। उसमें पता नहीं शाहरुख खान एल्कोहलिक था या कौन, मुझे पता नहीं वो मूवी क्या, वो केबल पे आती रहती थी। मैं जब भी ऑफिस से घर पहुँचती तो हम मूवी देखती रहती, और फिर जैसे उसके पापा शाम को ड्रिंक बनाते, ड्रिंक उठा के बेसिन में जाके फेंक देते थे। लाइफ इज सो एंटरटेनिंग, यू नो। तो इस तरह से मैं मिली थी, और फिर हमने कुछ होता है या सब मूवी आई थी, मेरे जेठ आए थे तो हम देखने गए थे, उन्होंने कहा शाहरुख के पास जाना है, तो महबूब में शूटिंग कर रहे थे, 1-4 तक शायद मैं उनके बहुत करीब थी और साथ थी। 1-4 गेटी गैलेक्सी के जो मालिक है नासिर भाई, वो उनमें से प्रोड्यूसर थे, शशिलाल नैयर उसके वो थे डायरेक्टर, काफ़ी स्पेशल इफेक्ट वो था, और उसके जहाँ पे उन्होंने बैंड्रा रेक्लेमेशन ग्राउंड में अपना सेट लगाया था उसके सामने ही मेरा स्टूडियो हुआ करता था पोस्ट प्रोडक्शन, और शायद वो स्पेशल इफेक्ट्स थे होंगे, तो सर को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था कि ये वो ऐसे। तो किसी कैंसर वाली बच्ची ने बोला था कि शाहरुख से मिलना है उसको, तो मैं वो पेपर का कटिंग, तभी वो ऐसा था न्यूज़पेपर वाला, ये मोबाइल वाले लफड़े नहीं, लेकर गई तो बच्ची मिलना चाहती है, मिल लो। रंजीत कपूर भी थे सेट पे, शायद वो डायलॉग करा रहे थे बस। और फिर वो पीछे महबूब में तो बहुत सारी शूटिंग होती थी, महेश भट्ट जी की भी कोई हो रही थी, डुप्लीकेट हाँ आई थिंक यही नाम है, जिसमें सोनाली बेंद्रे थी, शाहरुख खान थी और शाहरुख खान थे और ऐसा कुछ था। तो भागे भागे मतलब करण जौहर के पापा यश जौहर बहुत अच्छे, बहुत प्यारे अंकल थे, तो मैं गई थी सेट पे, क्योंकि वो हमारे दोस्तों खान साहब थे, तो उन्होंने बोला यार वो तो डायरेक्टर अभी लंच में बोल रहा 10 मिनट का टाइम है और कुछ शॉट लगा है और उनको टीवी स्क्रीन पे क्रिकेट मैच चाहिए। मैं बोले अंकल टेंशन मत लो, मैं जाके लड़के के साथ भिजवा देती हूँ, मेरा पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियो तो हमारे पास ये सारी फुटेज होती है, मैंने वो पहुँचाई थी। शायद करण जौहर को ये नहीं पता, पर मुझे पता है उसके पापा बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो लोग वो शौचालय के नहीं घूमते ना, आवरण है हमारा, हम डायरेक्टर है, डॉक्टर है, जो भी एक ठीक है एक अवतार लेके घूम रहे हो, वो बोझ करके मत घूमो यार, लोगों पे मत थोपो, मुझे ऐसा लगता है। तो शाहरुख के बारे में कहानियाँ और भी होंगी अगले संडे स्टोरी टाइम में, देखते रहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। और फिर सुहाना भी हुई, तो गौरी और चंकी की जो छोटे भाई है चिकी पांडे डीएन, उनकी वाइफ वो गर्लफ्रेंड थी उस समय, तो हम सब एक साथ ही 10 द हिल्स फार्म में वर्कआउट करते थे। जी हाँ, सलमान खान भी करते थे, सलमान जी को ना वो ट्रेनर बनने का बहुत शौक है, वो हमको भी, वो नम्रता शिरोड को भी, सबको ऐसे करो ऐसे रखो, ही इज अ क्यूट गाय दैट वे। ओके, फेलो कैप्रिकॉर्नियन, तो सॉफ्ट कॉर्नर तो रहेगा मेरा, तो
पर ये मेरा इरादा नहीं था, मुझे फिल्म वालों से कोई लेना देना ही नहीं था एक्चुअली। तो ये लोग शायद घुसते गए मेरी लाइफ में, और जब मैंने इन सबको छोड़ दिया ना, फिर मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनी, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। क्योंकि मैंने आज तक ना शाहरुख के पास गई, किसी के पास भी मैंने नहीं गई, कोई फेवर नहीं मांगा, और कोई ऐसा फालतू काम नहीं किया, पता है कि रात में अपने आप को मिरर में नहीं देख सकूं या अच्छा नहीं फील कर सकूं। आई थिंक आई एम अ सक्सेसफुल वुमन। मेरे घर में भी बोला जाता है, कमाया क्या तूने? मुझे पता है मैंने क्या कमाया है, और मुझे उस पे जो मैंने कमाया है बहुत फख्र है। तो अमिताभ जिनको मैं डेट करती थी, जो मेरे बाद में हस्बैंड, बहुत ईगोइस्ट फैमिली, ईगोइस्ट नहीं, मुझे पता है सारी चीज़ें। तो मेरे जेठ जी भी जब आए थे ना, तो मैं मेकअप रूम में, मेकअप वैन होती है एक्टर लोग, उसमें नहीं जाती मैं, मेरे को बहुत चिढ़ है, क्योंकि उसके इतने टेल्स है ना, फनी टेल्स है, वल्गर टेल्स है फिल्म इंडस्ट्री में, कि मैं बहुत सारी चीज़ें अवॉइड करती थी कि भाई आपको ये सब नहीं करना है। राम जाने उस फिल्म का नाम था जिसका सेंसर रिफ्यूज़ किया था, और सेंसर रिफ्यूज़ करने वाले इतने बड़े बड़े लोग थे ना, जिन्होंने शाहरुख के साथ बहुत फिल्में की, उसको बचाने वाली मैं थी, जिसका मेरा कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भी शक्ति सामंत था चेयरमैन, इतनी डांट पड़ी मेरी, और मैं इतनी छोटी थी, अरे मैं, क्योंकि वो जो भी थी ना प्रोड्यूसर साहिबा, उन्होंने कंप्लेन कर दी कि डॉक्टर ने बाहर जाकर, मैं क्यों नाम बताऊंगी भाई, प्रोजेक्टर रूम में प्रोजेक्टर वाले लोग हैं, आप चिल्ला रहे हो बोल रहे हो, उन लोगों ने चुगली की होगी मेरे को। तो उस समय शाहरुख के रवि दादा थे, उन्होंने पूछा था, मैंने कहा नहीं पास कर दिए फिल्म, इतना दूसरे दिन बोला था मैंने, ठीक है, क्योंकि पास तो कर दी थी हमने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करके, देख लीजिए आप सेंसर बोर्ड रिकॉर्ड में जाके, साला भी कोई गाली होती, साला तो रिश्ता होता है, मतलब मेरा बहुत लॉजिक सिंपल था, ये तो गुलाम ऐसे हो और वो ऐसे हो जाए, उसको भी कॉपुलेशन बोलते थे, मैं तो सर पकड़ के 90s में बैठती थी, भैया मेरे को खाए सेंसर बोर्ड में डाला, ये लोग अजीब अजीब चीजें सोचते हैं। तो खैर फिल्म नहीं याद आ रही, महबूब स्टूडियो में था, मैंने खालिद मोहम्मद सर को भी उस समय पहली बार देखा था, तो वो शायद कुछ इंटरव्यू वगैरह करने आए होंगे शाहरुख का, तो मैंने मेकअप मैन के टिश्यू पेपर में लिख दिया था कि मैं आई हूँ यहाँ पे, तो शाहरुख मुझे पूरे सेट पे ढूंढ रहे थे और मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। तो मैं हस्बैंड से, तेरा ईगो नहीं है क्या, मतलब अभी हस्बैंड कभी बॉयफ्रेंड, वो तुझे ढूंढ रहे। मैंने कहा क्योंकि मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने काम नहीं निकाला कभी शाहरुख खान से, उनको वन टू वन एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट करती हूँ, इसलिए शाहरुख खान द स्टार इज नॉट हंटिंग फॉर मी। डॉक्टर कहाँ है डॉक्टर, मैं डॉक्टर को ना उससे मतलब है ना उसको डॉक्टर से मतलब है, बस हम ऐसे ही है। मैंने बोला दोस्त भी नहीं कह सकती मैं, आज कहूँगी तो बोलेंगे किंग खान की दोस्त बोल रही, खुद तो नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तभी मेरा टशन था अभी मेरा टशन है, ठीक है ना, 20-25 साल में सुहाना हुए हुआ वो। लास्ट में मिली थी शाहरुख खान से 2004 में अमिताभ बच्चन के घर प्रतीक्षा में होली पार्टी में, उसके बाद मैंने शाहरुख को कभी फिजिकली नहीं देखा पर्सनली। उस दिन भी आए थे सुहाना, बहुत छोटी सी थी, वो लोग आए थे और ऋतिक भी आया था, सुजैन कोई नहीं कर रहा था, डर जाते लोग शाहरुख को, देखे मैंने रंग वंग डाल दिया, क्योंकि इधर अमित जी इतना भांग पिला रहे थे, इतना रंग डाल रहे थे, अमित जी वाला एपिसोड बाद में करूँगी भैया, बचपन से मैं अमिताभ बच्चन के सब कुछ, इतनी पागल हूँ मैं ही नहीं, मेरे साथ पढ़ने वाली, स्कूल में पढ़ने वाली, कॉलेज में पढ़ने वाली, मेडिकल में पढ़ने वाली, जितनी रूम पार्टनर थी, जितनी फ्रेंड्स है, सारी अमिताभ बच्चन की डाई हार्ड फैन है, ठीक है, वो वाला तो बहुत मस्त बताऊंगी। रही बात शाहरुख की, तो बस वही मैं मिली थी, और 2004 हाँ, तो शायद मेरी बेटी 3 साल 3 है, वो 2001 में पैदा हुई थी, सुहाना भी कुछ आगे पीछे थी, और 2-4 साल पहले मेरी बेटी भी कोई बोल रही मैं शॉर्ट फिल्म असिस्ट करूँ, तो किसकी शॉर्ट फिल्म असिस्ट करूँ, कौन मैं, आर्यन है, आर्यन खान मेरी बेटी, चिक्की की बेटी, चिक्की और डियान का बेटा, ये सब लोग मिलके, और ये लोग गौरी को भी ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे मुझे ट्रीट करते, कि मम्मा ये कर दो मम्मा वो कर दो, वो शॉर्ट फिल्म उन्होंने आज तक रिलीज नहीं की बाय द वे, पैम्पर्ड चिल्ड्रन सब उसने, अब वो पता नहीं क्या कर रहे थे, परेशान हो रही थी, और चिक्की का जो बेटा है नाम ही नहीं याद आ रहा मुझे, नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि वो हीरो बनेगा आगे आर्यन के साथ, तो उसने बोला आंटी, वो सीनियर था आमू का, उसने बोला आंटी आपको थोड़ा भी आमू परेशान करे आप मुझे बताइए, मैं ऐसे वैसे, वो स्कूल में सीनियर था, तो CNMS में पढ़े थे भाई, मेरे भाई के बेटी की तरह इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं थे मेरे पास, तो ICSE नॉर्मल CNMS, यहाँ आई तो शिवम को भी डाला CNMS में, वही आमू को भी डाला,
तो आपने औकात से गए, आपने औकात से पढ़े, मेरे बच्चे जो भी बने जैसे भी बने कलाकार हैं, कलाकारों को ग्रेड मत कीजिए कभी भी, छोटा बड़ा मत कीजिए। कला का मिलना ही ईश्वर का वरदान है, कला उन्हीं लोगों को मिलती है जिन पे ईश्वर का आशीष है। कलाकारों की गिनती उनके पैसों से मत कीजिए, उनका सक्सेस उनके पैसों में नहीं होता। बड़े से बड़ा कलाकार भी ऐसे मर जाता है ना एंड में कि चार लोग नहीं जाते, जैसे वी शांताराम। भाई वी शांताराम मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी लाइफ ही निकल जाएगी उनके बारे में, उनकी फिल्म के बारे में बात करते हैं। इतनी सक्सेस देखी, बोले बैलगाड़ी में पैसे आते थे, मतलब इतने ऐसे। जब इंसान गया तो मुझे नहीं लगता कि 15 लोग भी होंगे उनकी जयंत यात्रा में। तो कलाकार का अंत ऐसा भी हो सकता है, पर वो अपनी कला में मगन रहता, हम लोग को फर्क नहीं पड़ता हम लोग क्या पहन रहे क्या कर रहे। तो कमिंग बैक टू शाहरुख खान, मैं ऐसे बोल रही जैसे हेडलाइन देने वाली, ऐसा कुछ नहीं। तो वही उसको डांस नहीं आता, फिर वो सारे गाने मैंने देखे, बाजीगरो बाजीगरो, थॉमस ने पता नहीं वो नहीं देखा मैंने, वो उधर बाहर जाके उन लोगों ने किया था। थॉमस ने पता नहीं क्या फिल्टर डाला था, वो काजल का शॉट था ये था। और जब यहाँ वर्सोवा में शूटिंग होती थी ना तो क्रेन होती थी, क्रेन, क्योंकि हम तो कैमरामैन के दोस्त थे, तो मैं और काजल उसमें 2 सीट होती है, एक कैमरामैन की एक असिस्टेंट की, बैठ जाते थे और ऊपर से शुभ मंगलम सावधान करके पूरी यूनिट पे फूल डालते थे, कचरा डालते थे, हंसते थे जोर जोर से। रंगशादा में होती तो काजल को भी पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे भी बहुत पढ़ने का शौक था, पढ़ते ही रहता है, तू कौन सा पढ़ रही है, पढ़ रही है, पढ़ रही। तो सब लोग ऐसे नहीं होते कि फिल्म बफ होते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में, कुछ लोग ऐसे थे कि कुछ बहुत अजीब ही तरक्के होते हैं, फिर भी फिल्म इंडस्ट्री में फंस जाते हैं। और इसीलिए शाहरुख खान जैसे लोगों को हम जैसे लोग बहुत पसंद आते हैं। यस, अब तक सामना नहीं हुआ, मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने से पहले एक बार सामना जरूर हो जाए ना, वो 90s वाला ज़माना याद आएगा, बहुत हंसी आएगी, आएगी ना मुझे आएगी। क्या मस्ती थी मेरे अंदर, मतलब काली कलोटी में तो सुंदर भी नहीं दिखती इतनी। ऐसा नहीं होता, आपका मन साफ होता है और आप ऐसे होते ना कुछ अलग से, तो सामने वाला भी जानता है कि आप में कुछ है ऐसी बात, जानता है ना। तो एनीवेज आज का पार्ट 1 शाहरुख खान का यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीक में हम सुनेंगे शाहरुख खान पार्ट 2, इंटरेस्टिंग होगा। तो स्टोरी टाइम को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, हर जगह शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरी लाइफ के बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, आपको मज़ा आएगा। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, और कंटेंट पसंद आया शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।